गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बिच्छू के लगभग सारे सिस्टम्स का, सारे तंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं और एक केवल इसका सिस्टम बचता है, वो है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे बिच्छू के जनन तंत्र के बारे में, स्कॉर्पियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिच्छू में दोनों सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब नर व मादा अलग अलग होते हैं। हालांकि जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, जो लैंगिक द्विरूपता है, वो उतनी क्लियर, उतनी डिस्टिंक्ट नहीं होती है। उनको बाहर से देख के, एक्सटर्नली उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। लेकिन फिर भी जो है कुछ एक अंतर इन दोनों में पाए जाते हैं। मेल जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, फीमेल हमेशा थोड़ी सी लार्ज पाई जाती है। मेल में जो पेडिपल्स और पैक्टीज पाए जाते हैं ये लंबे आकार के होते हैं, फीमेल में ये दोनों कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। मेल का जो एब्डोमेन है वो थोड़ा नैरो होता है और कंपैरेटिवली फीमेल का एब्डोमेन, फीमेल का उदर भाग जो है वो ब्रॉड होता है। और ऑपरक्यूलर प्लेट पर कॉपुलेटरी हुक्स पाए जाते हैं इसमें, मेल में हर एक मेल जो है कैरी करता है एक कॉपुलेटरी हुक, जो कि उसकी ऑपरक्यूलर प्लेट पर पाए जाते हैं। फीमेल में इस प्रकार का कोई हुक देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार से मेल में जो गोनेट्स हैं ये ट्यूबल्स का एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं और ये फीमेल में भी इसी प्रकार की एक स्ट्रक्चर, एसेंशियली सिमिलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं, फीमेल में एक सिंगल ओवरी पाई जाती है। मेल में टेस्टिस पेयर में पाए जाते हैं जबकि फीमेल में एक सिंगल ओवरी पाई जाती है। बट ये तो इसके इंटरनल करेक्टर्स हुए। तो बाहर से देखने पर जो है, ये जो ऊपर मैंने आपको जो चार बताए, ये जो चारों करेक्टर्स हैं ये देखने को मिलते हैं और उनके द्वारा इनको दोनों सेक्सेस को सेपरेट बाहर से किया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली टेस्टिस, वस डिफरेंसिया, जेनाइटल चैम्बर्स, पैराक्सियल ग्लैंड, कॉमन जेनाइटल चैम्बर और जेनाइटल अपर्चर, इन सब ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। कॉमन जेनाइटल चैम्बर जो कि बाहर के द्वारा, जेनाइटल अपर्चर के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। टेस्टिस की अगर हम बात करें तो मेल स्कॉर्पियन में एक पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं जो कि हिपेटोपैनक्रियाज में अंदर की तरफ एम्बेडेड धंसे हुए पाए जाते हैं। ये एक्सटेंड करते हैं लगभग थर्ड से सिक्स सेगमेंट ऑफ प्री एब्डोमेन, प्री एब्डोमेन के छः से तीन से छठे सेगमेंट तक, मेसोसोमल सेगमेंट तक ये पाए जाते हैं। इनमें एक ये जो है एक तरह से बना हुआ होता है एक पेयर ऑफ नैरो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूबुल्स या ट्रंक्स का, और ये ट्रांसवर्स डक्ट्स के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहती है। तो इस तरह से ये तीन स्क्वायर्स जो है वो फॉर्म कर लेती है। जर्मेनल एपिथीलियम के द्वारा जो ये लाइंड होती है और इस जर्मेनल एपिथीलियम के द्वारा ही स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस किए जाते हैं। मेच्योर स्पर्मेटोजोआ की अगर हम बात करें तो ये मोटाइल होते हैं, फिली फॉर्म होते हैं, हर एक में एक ओवल बॉडी होती है और एक लंबी टेल पाई जाती है और ये स्पर्मेटोफोर में पाए जाते हैं अंदर की तरफ, जो ये स्पर्मेटोफोर में ये पाए जाते हैं स्पर्मेटोजोआस। उसके बाद एंटीरियरली एक नैरो डक्ट निकलती है विच इज़ कॉल्ड एज वस डिफरेंसिया। ये एक नैरो डक्ट है और आउटर एंगल्स ऑफ टेस्टिस से जो है ये पतली पतली जो डक्ट्स हैं वो निकलती है, जिन्हें हम कहते हैं वस डिफरेंसिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पाई जाती है दैट इज़ जेनाइटल चैम्बर। हर एक वस डिफरेंसिया जो है आगे की तरफ बढ़कर जेनाइटल चैम्बर में खुलती है अपनी साइड्स पे, उसकी साइड्स पे, और जस्ट बिफोर एंट्री डायलेटेड टू फॉर्म टर्मिनल एम्पुला, मतलब जहाँ इनकी एंट्री होने वाली होती है वहाँ पे ये थोड़ी सी फूल कर एम्पुला बना लेती है, जो कि अंदर की तरफ जाके जेनाइटल चैम्बर में खुलता है और इनटू विच एक एसेसरी ग्लैंड और एक क्लब शेप्ड वेसिकल सेमेनलिस जो है वो आगे खुलते हैं। एसेसरी ग्लैंड फ्लूड सिक्रीट करने का काम करती है जबकि जो सेमेनल वेसिकल्स हैं वो स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करने का काम करती है। इनमें जो है मेच्योर स्पर्मेटोजोआ जो है वो स्टोर रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मेल जेनाइटल सिस्टम में पाई जाती है वो है पैराक्सियल ग्लैंड्स। हर एक जेनाइटल चैम्बर जो है पीछे की ओर आगे बढ़कर पैराक्सियल ग्लैंड्स बनाता है और इनमें एक कार्टेनस रॉड पाई जाती है जिसे फ्लैजिला कहते हैं। दो फ्लैजिला मिलकर डबल पेनिस बनाते हैं और जो है ये डबल पेनिस जो है इवर्ट आउट होता है थ्रू अपर्चर ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के दौरान ये पेनिस अब जो है वो बाहर की तरफ
निकल जाता है। उसके बाद कॉर्नवल जेनाइटल चैम्बर पाया जाता है। दोनों जेनाइटल चैम्बर्स जो हैं एक स्मॉल मीडियन कॉमन चैम्बर में खुलते हैं और ये बाहर की तरफ खुलता है एक मेल जेनाइटल अपर्चर के द्वारा। और ये जेनाइटल ओपरकुलम या जेनाइटल अपर्चर जो है ये जेनाइटल ओपरकुलम के नीचे स्टर्नम पर फर्स्ट मेसोसोमल सेगमेंट के वहाँ पर पाया जाता है, जो पहला इसका प्री एब्डोमिनल सेगमेंट है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इसमें देखने को मिलता है। आपको डायग्राम ए में ये सिस्टम जो है वो देखने को मिल रहा है। ऊपर कॉमन जेनाइटल चैम्बर दिख रहा है आपको, दो तरफ दोनों जेनाइटल चैम्बर्स दिख रहे हैं, वहाँ से डिफरेंसिया दिख रही है, ग्लैंड्स जो हैं एम्पुला जो है वैसे डिफरेंसिया का वो आपको नज़र आ रहा है, वेसाइकल सेमिनलिस जिसे हमने सेमिनल वेसाइकल कहा था वो भी नज़र आ रही है, सपोर्टिंग फ्लैजिलम नज़र आ रहा है, पैराक्सियल ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं, मैशेस टेस्टिस जो हैं वो आपको यहाँ तीन स्क्वायर्स के फॉर्म में मैशेस के फॉर्म्स में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ए आप डायग्राम को देखिए, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सिमिलरली जो है सी में आपको एक मैच्योर स्पर्म दिखाई दे रहा है जिसमें मिडिल सेगमेंट है, एंटीरियर फ्लैजिलम है, क्रोसोम है और पीछे की तरफ एक टेल है पोस्टीरियर फ्लैजिलम। नाउ हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बिच्छू की फीमेल में एक सिंगल ओवरी पाई जाती है जो थर्ड से सिक्स मेसोसोमा जो है इस पर हेबेटोपैनक्रियास का वही सेम जैसे टेस्टिस जहाँ हेबेटोपैनक्रियास में दसवें पाए जाते थे तीन से छठे मेसोसोमा में उसी प्रकार से ये भी सिंगल ओवरी जो है पाई जाती है। ये तीन नैरो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूबल्स और ओवेरियोल्स की बनी हुई होती है, एक मीडियन है और दो लेटरल है। मीडियन इज़ कनेक्टेड विद द लॉन्गर बाय 3-4 क्रॉस ब्रांचेस, जो मीडियन है वो क्रॉस ब्रांचेस से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह से ये तीन वाइड मैशेस को हर एक साइड पर इनक्लोज कर देते हैं। ये भी जर्मेनल एपिथीलियम के द्वारा लाइंड है और इसके द्वारा ओवा फॉर्म किए जाते हैं। डेवलपिंग ओवा जो है येलो बड लाइक प्रोसेस जो सरफेस पे है वहाँ पे आते हैं, डायवर्टी बड लाइक प्रोसेस ऑन द सरफेस प्रोजेक्ट होते हैं ये, और जिसको हम बोलते हैं डायवर्टिकुला या फॉलिकल्स। और फिर यहाँ से ये डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट साइज़ की फॉलिकल्स पाई जाती है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। फॉलिकल्स स्फेरिकल थ्रू आउट द बुट्स में रहती है और ये फ्यूजी फॉर्म होती है पेलेमिनस में विद प्रॉक्सिमल स्वेलन बेस और यूट्रस जिसे हम कहते हैं, एंड डिस्टल नैरो अपेंडिक्स विद अ बॉडी एंड एन एनलार्ज टिप कॉल्ड हेड। इस तरह से ये जो है पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर अपनी बनाती है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है स्पीसीज और साइज के अकॉर्डिंग वेरी करती है जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद इसमें ओविडक्स पाई जाती है, दो लेटरल ओवेरियोल्स जो हैं ये कंटिन्यू करते हैं एंटीरियरली और दो ओविडक्स बनाते हैं। ये ओपन होती है एक स्मॉल मीडियन जेनाइटल चैम्बर में। जेनाइटल चैम्बर ओपन टू आउटसाइड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव अपर्चर और ये पाया जाता है बायलोब्ड ओपरकुलम के नीचे ऑन द स्टर्नम ऑफ फर्स्ट मेसोसोमल सेगमेंट, जैसा कि मेल में भी ये फर्स्ट मेसोसोमल सेगमेंट के नीचे ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ओवरी और ओविडक्स, जेनाइटल चैम्बर्स और ओवरी की जो तीन मैंने आपको ओवियोल्स की बात करी, एक मीडियन और दो लेटरल। आपको मीडियन ओवियोल दिखाई दे रहा है ये रहा यहाँ पे, देन लेटरल ओवियोल दिखाई दे रहे हैं, हेड ऑफ अपेंडिक्स, बॉडी ऑफ अपेंडिक्स जो हमने बात करी, अपेंडिक्स जो कहलाता है आगे का हिस्सा यूट्रस और पीछे का हिस्सा अपेंडिक्स कहलाता है। और ये फॉलिकल्स हैं जिनमें कि एम्ब्रियोस पाए जाते हैं, ये दो ओविडक्स हैं, सिमिलरली जेनाइटल चैम्बर है, क्रॉस ब्रांचेस हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप दिखाई दे रही है। अब हम बात करें इसके फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मेटिंग डांस किया जाता है, प्रोमिनेडा डक्स जो डांस है वो कहलाता है, और कोर्टशिप बिहेवियर पाया जाता है, कॉपुलेशन पाया जाता है, उसके बाद इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दो स्कॉर्पियंस फेस टू फेस स्टैंड खड़े से हो जाते हैं अपनी टेल्स को अप्रेस करते हुए, और फिर मेल जो है फीमेल्स के पेडिपल्स को ग्रेस्प कर लेता है विथ इट्स ओन अपने पेडिपल्स के द्वारा। फिर वो दोनों मूव करते हैं राउंड एंड राउंड फॉर एन आवर और मोर, एक घंटे या उससे ज़्यादा के लिए भी वो मूवमेंट शो किया जाता है। आफ्टर मेटिंग फीमेल ऑफन डिवोर्स हर मेट, डेवलपमेंट इंटरनल है, लार्ज टीलोलेसाइथल एग्स पाए जाते हैं, ओवो वीवी पेरस पाए जाते हैं, और जो जिनमें कम योग है उन एग्स में वीवी पेरिटी पाई जाती है, मतलब उन बच्चे देते हैं, वीवी पेरस स्पीसीज भी पाई जाती है और ओवो वीवी पेरस स्पीसीज भी पाई जाती है, दोनों तरह की स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि
पॉपुलर ऐसा पॉपुलर है कि जो यंग वंस हैं ये अपनी माँ को डिवोर कर देते हैं, बट फैक्ट इज़ दैट द बेबीज़ जॉज आर वेरी वीक एंड मदर की जो बैक है वो तो हार्ड होती है और परफोरेशन पे उनमें नहीं पाया जाता, तो आई थिंक ये सही नहीं होगा, लेकिन एक पॉपुलर बिलीफ है कि अपने यंग वंस जो हैं वो डिवोर कर देते हैं मदर को, विच इज़ रॉन्ग, लेकिन ये गलत है। तो इस प्रकार से जो है इसमें डेवलपमेंट पाया जाता है और इस प्रकार से इसमें जो है फर्टिलाइजेशन और कोऑपरेशन का प्रोसेस जो है वो पाया जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट स्कॉर्पियन। आज हमने स्कॉर्पियन के सारे सिस्टम्स जो हैं वो फिनिश कर लिए हैं। ये आपका चैप्टर आज ख़त्म होता है। थैंक यू।